हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी आरपीएफ में अभी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि रेलवे की तरफ से इस बार इसका नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए देख लेते हैं आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है, तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया हुआ है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कॉन्स्टेबल आरपीएफ 0318 का ये नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों की वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट जान लेते हैं, इसकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए, जो आरपीएफ है उसकी जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, 19,900 से लेकर 63,200 तक इसकी सैलरी रहेगी। इसके बाद देखिए, लेवल थ्री का जो सैलरी रहेगी उस सैलरी यहाँ पे दी हुई है। देखिए, 21,700 से 69,100 इसकी सैलरी रहेगी, जो कि सिर्फ सैलरी रहेगी। इसके बाद जो अलाउंसेस हैं वो अलग से प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सैलरी मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 1,00,000 से आसपास आपकी एक साल में सैलरी चली जाएगी। तो चलिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट दी हुई है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जो इसकी ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, 1/1/2019 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 30/1/2019 तक, मतलब पूरा जनवरी महीना तक, इसमें जनवरी तक फॉर्म अप्लाई करना शुरू रहेगा। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है सीबीटी की, वो फरवरी से मार्च में आपका इसका सीबीटी हो जाएगा। जैसे कि आपकी अभी तैयारी शुरू होगी आरपीएफ की, तो उसी को कंटिन्यू करिए और इसके लिए अप्लाई करना ना भूलें। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपको इसकी जो एज लिमिट है या पे स्केल है, इन सब के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो पे स्केल है वो अभी आपको तो बताइए है, लेकिन इसमें जो वाटरमैन, कैरियर, सफाई वाला और वॉशर, गार्डियन जो है, इनको भी अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाती है। जैसे कि देखिए, 21,700 से इसका शुरुआत होती है और इसके जो अलाउंसेस है उनको प्लस करके ये आसपास 30,000 के आसपास इसकी सैलरी चली जाती है। तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करिए। इसमें देखिए, एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इसमें जो आपका टेस्ट होने वाला है वो आपका सीबीटी होगा। उसके बाद सीबीटी होने के बाद देखिए, टेंटेटिव वो जो हेल्ड है, मतलब वो सीबीटी टेस्ट लेंगे, वो फरवरी से मार्च के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जो कि आरपीएफ के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आपको समझ आई होगा अभी। चलिए देख लेते और इंफॉर्मेशन जो इसका एग्ज़ाम होगा उसमें आप ये जो यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि मोबाइल या कोई और गैजेट, ब्लूटूथ, लैपटॉप, कैलकुलेटर, वॉचेस, ये सब आप एग्ज़ाम के वक्त नहीं ले जा सकते।
आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते और इसकी इंफॉर्मेशन। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर पल नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे, नए रिक्रूटमेंट की जानकारी मिलती रहे। देखिए इसमें जो वैकेंसी दी हुई है, कॉन्स्टेबल क्वार्टर कैरियर, उसके बाद यहाँ पे सफाई वाला कॉन्स्टेबल, ये सभी भी अच्छी पोस्ट है। कॉन्स्टेबल वॉशरमैन, और इसमें कॉन्स्टेबल बार्बर, कॉन्स्टेबल जो माली होता है उनकी, टेलर G3, और जो कोबलर होता है G3, उसके लिए ये सब पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 798 पोस्ट इसमें दी हुई है, 798 इसमें पोस्ट टोटल दी हुई है। तो रेलवे की तरफ से इस बार वैकेंसी आई है, तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए देखिए इसमें सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और जो भी सब RRV है, उन सब के लिए इसमें वैकेंसी दी हुई है। देखिए सेंट्रल रेलवे, इसमें सभी तरह की वैकेंसी दी हुई है, जो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए आपको मस्ट बी इंडियन होना ज़रूरी है। इसमें देखिए जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉन्स्टेबल के लिए, उसमें आपको मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है, और जो आपकी एज होगी वो 18 से 25 साल के बीच होनी ज़रूरी है। इसमें देखिए जो आपका फिजिकल मेजरमेंट जो होगा, उसमें आपको जो जनरल एंड OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपकी उनकी हाइट 165 से ऊपर ही होना चाहिए, और जो फीमेल होंगी उनके लिए 157 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर नहीं भी रही तो 165 जो कैंडिडेट होंगे उनकी भी चलती है। और जो SST के लिए है वो 160 है, और जो गुरखा या अदर मराठास जो है उनके लिए इसमें कंसेशन दिया हुआ है। और देखिए आपकी जो चीज़ है वो बिना फुलाए 80 होना ज़रूरी है, और एक्सपेंड करके 85 होना ज़रूरी है। और SC ST के लिए इसमें कंसेशन होता है, देखिए 76.2 से 81.2 के बीच होना ज़रूरी है, और इसमें सिर्फ जो है 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 10th पास होना ज़रूरी है, और आपको वो तो पता ही है जो कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जो आपकी थर्ड फेज आपकी ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें देखिए आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट देना होगा। चलिए और जान लेते हैं। देखिए इसके बाद आपकी जो एक मिनट रुकी, देखिए आपका जो इसके बाद होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आपको पता ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप सबका, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जो आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसमें जो कैंडिडेट CBT में पास हो गए और PET में पास हो गए, ट्रेड टेस्ट में पास हो गए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो सब मैं बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मेट है वो इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ, तो उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट आपके प्रेजेंट करने हैं। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होना ज़रूरी है। आपको देखिए 10th क्लास का, देखिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वो आपको इसमें
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाना होगा। और उसी के साथ देखिए, अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ ही टू कॉपीज लगेगी आपकी कलर फोटोग्राफ विथ अटैचमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा और डोमिशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इसमें और कुछ जानकारी तो नहीं बची हुई है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।